फ्रेंड्स, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि यदि किसी महिला की बच्चेदानी में सूजन आ जाती है तो आप उस सूजन को ठीक करने के लिए, उसे कम करने के लिए क्या घरेलू चीज का सहारा ले सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो है वह है आपका बादाम। आप इसका प्रयोग इस तरह से करें, रात को एक चम्मच बादाम का पाउडर लेना है आपको और तीन चम्मच के शरबत और चीनी मिलाकर आप इसे रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी का सेवन करने से बच्चादानी की जो सूजन होती है वह दूर हो जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है वह होती है फलों का रस। बच्चादानी की सूजन को कम करने के लिए आप फलों का रस पीजिए। यह आपके लिए बहुत ही सेहतमंद होता है और इससे बच्चेदानी की जो सूजन की समस्या होती है वह ठीक हो जाती है। आप प्रतिदिन संतरे, गाजर, चुकंदर, टमाटर, सेब आदि के जूस का सेवन कर सकती हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। तीसरी चीज़ जो होती है वह होता है अरंडी। अरंडी के पत्तों को पानी में उबालकर आप इसे छान लीजिए। अब इस पानी में कॉटन भिगोकर प्राइवेट पार्ट के अंदर रखें। लगातार तीन चार दिन ऐसा करने से पेट में मौजूद सभी प्रकार के कीटाणु मर जाएंगे और सूजन की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके बाद जो प्रयोग है वह हल्दी का है। आप इसका प्रयोग किस तरह से करें, हल्दी का पाउडर भुना हुआ सुहागा मकोए के ताजे रस में मिलाकर कॉटन की सहायता से प्राइवेट पार्ट में रखने से बच्चेदानी की सूजन की समस्या जो है वह दूर हो जाती है। और जो पांचवा प्रयोग है वह है नीम का। बच्चेदानी की सूजन को कम करने के लिए आप नीम और सौंठ को पानी में डालिए और इस पानी को उबालकर इसका काढ़ा बना लीजिए। अब इस काढ़े से प्राइवेट पार्ट में डुस करने से बच्चेदानी की जो सूजन की समस्या है वह दूर हो जाती है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, नहाते समय आप नीम के पानी से प्राइवेट पार्ट को धुलते हैं तो इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके।